वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। तो मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ऑसम किस्म की होने लगी है। तो यार बहुत ज्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो थी ये, मतलब काफी ज्यादा इसकी अब तक हमें रिक्वेस्ट आई है। तो यार जल्दी से वीडियो का आपको टाइटल बताता चलूं, वो है थिंग्स दैट ओनली इंडियन मुस्लिम्स कैन डू इन इंडिया और इन द वर्ल्ड। मतलब ऐसी चीजें जो सिर्फ इंडियन मुस्लिम ही कर सकते हैं, बाकी किसी कंट्री के लोग नहीं, बाकी किसी कंट्री के मुस्लिम्स नहीं कर सकते। मतलब ये इसका टाइटल है। तो माय इंडिया का वीडियो है, ओरिजिनल लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब करना। तो देखते हैं भाई कौन सी चीजें जो सिर्फ करते हैं कर सकते हैं इंडियन मुस्लिम, बाकी कोई नहीं कर सकता। हाँ तो जल्दी से देखते हैं, काउंटडाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों भारत एक धर्म निरपेक्ष देश है और समय समय पर हमने अपनी वीडियोस के माध्यम से ये बात सिद्ध भी की है। और आज की यह वीडियो इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण होगा कि भारत सदियों से सभी धर्म के लोगों को समान समझकर बिना भेदभाव की भावना रखते हुए आगे बढ़ता है। तो आज की इस वीडियो में हम उन चीजों को दिखाने वाले हैं जो सिर्फ भारतीय मुसलमान के बच्चे भारतीय मुसलमान बने हुए थे कैटअप में। ये बाकी इंडिया में होता है ऐसी चीज, बिल्कुल सिर्फ इंडिया में। दोस्तों भारत में मुसलमानों को अपने त्योहार मनाने पर कोई पाबंदी नहीं है। भारत में रमजान के समय मुसलमान 30 दिन का रोजा रखते हैं, जिनकी यहाँ पर कोई मनाई नहीं है। लेकिन बात अगर चाइना की जाती है तो हालत कुछ और ही हो जाते हैं। चाइनीज गवर्नमेंट के द्वारा पारित किए गए नए नियम के अनुसार चाइना के नॉर्थ वेस्ट में स्थित जिंगजियान रीजन में छात्रों, गवर्नमेंट एजेंसीज, लोकल पार्टी ऑर्गेनाइजेशन, सिविल सर्वेंट और गवर्नमेंट ऑफिस में काम करने वाले मुस्लिम लोगों पर रमजान में रोजा रखने पर भी पाबंदी है। दोस्तों भारत एक ऐसा देश है जो किसी भी व्यक्ति की धार्मिक मान्यताओं में दखल नहीं देता। यहाँ पासपोर्ट आवेदन करने के लिए यह बिल्कुल भी मायने नहीं रखता है कि आप मुसलमान हैं, हिंदू हैं या किसी अन्य जाति से संबंध रखते हैं। लेकिन कई देशों में मुसलमानों को हिंदुस्तान जैसी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है। कई देशों में जब तक आप यह साबित नहीं कर देते हैं कि आप अपने धार्मिक विश्वासों के साथ कितनी निष्ठा रखते हैं, तब तक आपको पासपोर्ट जारी नहीं किया जाएगा। उदाहरण के तौर पर अगर पाकिस्तान को देखा जाए तो पाकिस्तान में आपको असली मुसलमान होने का प्रमाण देना पड़ता है, मसलन आप पैगम्बर साहब में कितना विश्वास रखते हैं आदि। यही कारण है कि पाकिस्तान में अहमदीस को पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए साइन करना होता है, जिस पर लिखा होता है कि अहमदीज मुसलमान नहीं है। दोस्तों भारत में अपनी इच्छा के अनुसार हर धर्म के लोग अपनी वेशभूषा और पहनावे के लिए आजाद हैं। लेकिन चीन में रहने वाले उइगुर मुसलमान ना तो अपनी इच्छा से दाढ़ी बढ़ा सकते हैं और ना ही धार्मिक कपड़े पहन सकते हैं। चीन सरकार के नए नियम के मुताबिक उन पर कई प्रकार की बंदिशें भी लगाई गई हैं। भारतीय मुसलमानों को पूरी आजादी दी गई है कि वह किसी भी देश में घूमने, पढ़ने व व्यापार करने जा सकते हैं। भारतीय मुसलमान किसी भी देश की यात्रा करने के लिए स्वतंत्र हैं और भारतीय होने के कारण उनको किसी भी देश का वीजा बड़े ही आसानी से मिल जाता है। लेकिन सभी देशों के मुसलमान इतने भाग्यशाली नहीं होते। सीरिया, लीबिया, ईरान, सोमानिया, सूडान और यमन देशों के मुसलमानों पर मतलब अमेरिका समेत कई देशों ने उनके देश आने पर प्रतिबंध लगा रखा है, जिसके कारण वह मुसलमान इन देशों में नहीं जा सकते। बात जब मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की आती है, तब भी भारत की निष्पक्षता विश्व में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। भारत में मुस्लिम महिलाओं को मुस्लिम पुरुषों की तुलना में समान अधिकार प्राप्त हैं, मसलन शिक्षा, नौकरी, पहनावे और अपनी शर्तों पर स्वतंत्र जीने का अधिकार। भारत में हर मुस्लिम महिला को अपनी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अपना पहनावा चयन करने का अधिकार है। लेकिन विश्व में कई ऐसे देश भी हैं जहां मुस्लिम महिलाओं को आजादी से जीने भी नहीं दिया जाता। ताजा नियम के अनुसार ऑस्ट्रिया में सार्वजनिक जगहों पर बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाया गया है। बल्कि कई देशों में मुस्लिम महिलाओं के कपड़े अक्सर चर्चा का विषय बनते रहते हैं। हज मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है जो कि सऊदी अरब में स्थित है। भारत में कई ऐसे मुस्लिम परिवार हैं जो आर्थिक रूप से पूर्ण संपन्न नहीं हैं, लिहाजा भारत सरकार ऐसे मुसलमानों को हज की सब्सिडी के रूप में अभी तक आर्थिक मदद देती आई है। लेकिन ताजा खबरों के अनुसार भारत सरकार ने हज पर दी जाने वाली सब्सिडी भले ही खत्म कर दी है, लेकिन भारत हर तरीके से सब धर्मों को साथ लेकर चलता है और शायद यही वह कारण है कि हर भारतीय को अपने देश पर गर्व है। तो दोस्तों अगर आपको भी अपने देश पर गर्व है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी भाई, 1000 लाइक्स का। साथ ही दोस्तों इस वीडियो पर कमेंट करना बिल्कुल भी। तो ये वीडियो खत्म यार, ओरिजिनल वीडियो का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो उनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब करना।
अब आते हैं रिव्यू पे। तो यार मतलब काफी इनकी बातें ठीक भी थी, क्योंकि मतलब इधर पहले तो अपनी कंट्री पे आते हैं कि इधर कायदयानिस को बिल्कुल नहीं, वो लिखा होता है, क्योंकि मतलब जो है वो बात, वो मतलब अब इसमें हम ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे क्योंकि इस मतलब ज्यादा टॉपिक पे हम बात भी नहीं करना चाहते, क्योंकि भाई काफी ज्यादा जो है ना इधर मतलब वो रिलीजन जो है ना इसकी वजह से जो है ना सारा कुछ होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सो दूसरी बात, चाइना में यार वहाँ पर तो काफी वो मुश्किल था, बहुत ज्यादा उन्होंने तो काफी सारे कैंप लगाए हुए हैं उधर, मुस्लिम्स को उधर मतलब बहुत तंग किया जाता है। दूसरे मतलब उधर तो, और बाकी अब तो यार ज्यादातर ये मतलब यूरोपियन कंट्रीज में भी ऐसा काम हो रहा है। अभी तो फ्रांस में देख लो या दूसरे मुल्कों में देख लो, उनको मतलब निकाब वगैरह करने दिया जाता, बुर्का वगैरह, यूरोपियन कंट्रीज में आपको ज्यादा होता जा रहा है, बहुत ज्यादा होता जा रहा है, मतलब उन पे जमीन तंग की जा रही है, दिन ब दिन जमीन तंग की जा रही है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो इंडिया में बहुत ही ज्यादा सुविधाएं यार, अगर इस लिहाज से अगर इंडिया की तुम बात करते हो तो एक चीज सिर्फ देख लो, इंडिया में तुम सिर्फ ये चीज देख लो कि देखो मुस्लिम और हिंदूज या जो भी और मजहब है वो मतलब आपस में ऐसे रह रहे हैं जिस तरह मतलब सगे भाई हो, बिल्कुल मतलब यार हो। ये बात बहुत अच्छी है। दूसरा उसमें सबसे अच्छी बात ये है कि देखो एक दूसरे के त्योहार इकट्ठे मना रहे होते हैं। वो अभी आपने फर्स्ट वाली पिक्चर देखी थी, उसमें एक मुस्लिम लेडी अपने बच्चों को लेकर जा रही थी जो मतलब गेटअप में थे, मतलब शायद स्कूल में ही, मतलब कॉलेज में, स्कूल में ही होता है बचपन में कोई मतलब क्या बनता है गेटअप, वो हमने मूवीज में भी अक्सर देखा है, और मतलब अपने बच्चों को मतलब वो बने हुए थे बिल्कुल बने तो, मतलब जो हिंदू धर्म के मतलब गेटअप में थे, तो मतलब इतने मतलब वो अच्छे हैं कि मतलब वो इस तरह करते हैं, बिल्कुल ऐसा कोई नहीं करता, बिल्कुल कोई भी नहीं करता, इंडिया में सिर्फ इंडिया में। मैं वही तो मैं बता रहा हूँ ना कि इतने प्यार से मतलब रह रहे होते हैं, एक दूसरे के त्योहारों में शामिल होते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं, आते खाना वगैरह खाते हैं, बनाते हैं, मदद करते हैं हर लिहाज से, ये बहुत बड़ी बात होती है। और दूसरा ये है कि आप देख लो इंडियन और इंडियन मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो चाहे सिख हो कोई भी हो, उनको फुल आजादी है उधर, मतलब वो अपना जो काम करना चाहे मतलब हर आजादी है बिल्कुल, जो कि होनी भी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। इंडिया मतलब वाकई इसीलिए कहते हैं कि ऐसा कंट्री है जहाँ पर ऐसे अमेरिका में भी ऐसी चीज नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी आपको, कहीं भी नहीं मिलेगी, चाइना तो बहुत। और अगर आपको उधर मिलेगी भी तो आपके ऊपर नजर बाकायदा रखी जाएगी दूसरे ममालिक में, मतलब ये क्या करता है। इंडिया में मतलब यार जो मतलब हिंदूज को राइट्स हैं वही मुस्लिम इक्वल बराबर है, वही जैन को है, वही बुद्धिस्ट को है, वही क्रिश्चियंस को है, मतलब जो राइट्स जिसमें है वो इसी तरह है, और बिल्कुल मतलब इंडिया ऐसा कंट्री है कि मतलब राइट्स फौरन देता है, और सबसे ज्यादा देखो दुनिया में सबसे ज्यादा अगर मस्जिदों की बात की जाए वो इंडिया में है, ठीक तो है। मतलब यही बात देखी जाए तो मतलब इंडिया जैसा महान कंट्री बहुत कम देखने को बिल्कुल, मिलता है, बिल्कुल बहुत कम। तो गाइज आप इसके बारे में क्या कहते हैं अपनी राय हमें कॉमेंट सेक्शन में दें। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। तो यार बाय।